सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। चंबा में होली के दिन एक दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक चंबा में चंडीगढ़ से आ रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसा सुबह करीब 6:30 बजे हुआ है। बताया जा रहा है बस में करीब 35 लोग सवार थे। हादसा चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे पर हंडोठा के पास हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत खाई में उतर गए और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। हमारे हिमाचल प्रदेश में एक दुखद घटना हुई है। HRTC की एक बस का एक्सीडेंट हुआ है चंबा में, जिसमें कुछ लोगों का निधन हुआ है, दुखद निधन हुआ है। मैं सभी परिवार वासियों को जो भी जो उनके परिवार से संबंधित हैं उनको इस दुख की घड़ी में संवेदना प्रकट करता हूं उनके प्रति, और ईश्वर उनको शक्ति दे इस दुख को सहन करने की। ये देहरादून से चंबा जा रही थी बस, और इस बस में 35 लोग सवार थे और घायल हुए हैं। लगभग कोई 20 लोगों को ज़्यादा चोटें आई हैं। सूचना मिली है कुछ लोगों की उसमें मृत्यु भी हुई है, और डिप्टी कमिश्नर को SP को मौके पर भेज दिया था। वहाँ के स्थानीय विधायक भी मौके पर सुबह ही उनको भेज दिया था, वो वहीं पर ही है। और उनमें से एक को टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए शिफ्ट किया गया है, जो उनको गंभीर चोटें ज़्यादा हैं, चोटें लगी हुई, और बाकियों का इलाज वहीं चंबा में मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।